हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पानी पूरी का ये किट। जो पैकेट है ये आची कंपनी का है, तो आज मैं आपके साथ यही पैकेट शेयर करने वाली हूँ। इसके अंदर कैसे रहता है, क्या क्या जो है चीज़ें रहती है इस पैकेट के अंदर। तो ये पानी पूरी किट है, तो देखिए ये साइड लिखा हुआ है ये 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोस और प्लस 1 ऑनियन और ये 24 यूमी पानी पूरी इस बन जाता है इससे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 60 ग्राम पानी पूरी पैलेट्स और स्वीट टैमरिन डेट्स चटनी 60 ग्राम, मिंट चटनी 30 ग्राम और सीजनिंग 5 ग्राम। तो ये चार पैकेट होता है ये पानी पूरी पैलेट्स जो है, इसी के अंदर जो है 24 यूमी पानी पूरीज रहते हैं। और ये बैक साइड में जो है ये देखिए ये कुकिंग डायरेक्शंस जो इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कैसे कैसे बनाना है, ये 5 स्टेप में लिखा हुआ है, स्टेप 5, स्टेप 1 टू स्टेप 5। और ये देखिए ये नीचे जो है इसका जो है यहाँ पे जो है रेट ₹40 लिखा हुआ है। और इसके ऊपर ठीक ऊपर ये जो रेड कलर का मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पैकेजिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा हुआ है। तो ये पूरा पैकेट में सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपको सिर्फ पैकेट को ओपन करना है और इसे बनाना है, बस इतना ही काम होता है। ये बहुत ही इजीली बन जाता है, बहुत ही फटाफट, बहुत ही जल्दी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोटैटोस लेने होते हैं, ऑनियन लेने होते हैं और आपको जो भी अच्छा लगता है जैसे कोरिएंडर लीव्स हो या ग्रीन चिलीज हो, यही सब ऐड करना है एक्स्ट्रा। अदरवाइज इसमें सब कुछ सीजनिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है। चलिए खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये एक पैकेट है जिसके अंदर सारे के सारे चटनी और सीजनिंग जो मसाला वो सब कुछ दिया हुआ है इस पैकेट में। और ये जो सेकंड नंबर पैकेट है इसमें जो है पानी पूरी रखा हुआ है और ये जो है पैकेट। तो चलिए ये देखिए ये पानी पूरी का पैकेट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पैकेट नंबर 1 है, ये देखिए जो लिखा हुआ है पानी पूरी पैलेट्स, और ये जो है 60 ग्राम का है इसका नेट वेट। तो इसी के अंदर पानी पूरी रहता है, तो इसको खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा टाइप का पानी पूरी ये रहता है। इसको खोलकर सिर्फ फ्राई करना होता है इस पानी पूरी को तेल में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑयल में, डीप ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए मैं आपको एक निकाल कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये है पैकेट नंबर 1। अब पैकेट नंबर 2, 3 और 4 तीन पैकेट इस पैकेट एक पैकेट के अंदर है, तो मैंने खोल दी है। अब मैं ये तीनों पैकेट आपको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये है सीजनिंग का पैकेट, ये है पैकेट नंबर 2 चटनी का पैकेट डेट्स चटनी, और ये है पैकेट नंबर 3। तो ये है मिंट चटनी पेस्ट, नेट वेट है इसका 30 ग्राम और इसमें लिखा ही है देखिए ऐड 250 ml ऑफ वाटर। सो इसमें आपको इतना ही वाटर जो है ऐड करके जो पानी पूरी का पानी है ना उसे बनाना है। तो ये है पैकेट नंबर 2। तो ये है स्वीट टैमरिंड डेट्स चटनी, इसमें इमली और जो है डेट्स का चटनी है और इसमें लिखा ही है नो नीड टू एड वाटर। तो इसमें नेट वेट है 60 ग्राम, तो ये 60 ग्राम का है। और ये है पैकेट नंबर 4, तो ये है सीजनिंग फॉर्मेस्ट पोटैटो एंड ऑनियन स्प्राउट्स। सो ये देखिए ये नेट वेट है 5 ग्राम। तो ये है जो आलू होता है ना, आलू को बॉयल करके जो उसे मेस्ट करके जो हम पानी पूरी के अंदर डालते हैं आलू, तो उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो मैं आपको चारों पैकेट यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ एक साथ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बोल ले ली है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, 200 ग्राम जो है पोटैटो बोले हैं, तो मैं क्या करूंगी इसमें 200 ग्राम पोटैटोस ले ली है मैंने। तो ये देखिए पोटैटोस को मिक्स करके अच्छी तरीके से मैंने ले लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज का ऑनियन ले ली है मैंने, उस ऑनियन को मैंने ऐड कर दी है। अब मैं क्या करूंगी, ये सीजनिंग जो पैकेट है सीजनिंग फॉर्मेस्ट पोटैटो, इसे मैं ओपन करूंगी और इस आलू एंड ऑनियन के साथ जो है मैं मिला दूंगी, इसके साथ मिक्स करूंगी मैं। तो चलिए खोल लेते हैं, तो खोल कर देख लीजिए इसके अंदर कैसे रहता है। ये देखिए ये जो सीजनिंग है, जो मसाला वो मैंने ऐड कर दी है। आप चाहे तो इसके अंदर ग्रीन चिली और कोरिएंडर लीव सब कुछ ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। तो ये सॉल्ट मैंने ऐड कर दी है।
तो अब मैंने क्या की है, ये सारे के सारे चीजों को अच्छे से मैं जो है मिक्स करके तैयार कर लूंगी। तो ये तैयार हो गई है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ लाके। ये देखिए ऐसे तैयार हुई है, हमारा जो आलू है बनकर तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इसे साइड में रख लूंगी। आलू तैयार हो गई है, अब मैं इसमें जो है ये चटनी को खोलकर रेडी कर लूंगी। तो मैंने ये टैमरिंड एंड डेट्स चटनी खोल ली है, ये देखिए इसके अंदर ऐसे रहता है। तो ये चटनी को मैं खोलकर जो है इस बाउल में जो है ट्रांसफर कर लूंगी। तो इसमें कुछ भी मिक्स करना नहीं है, और चाहे तो आप थोड़े से वाटर ऐड कर सकते हैं। पीछे जो कुकिंग इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था, अगर जरूरत है तो ही आप ऐड करें, ना ना तो ना करें। तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं की इसमें। तो अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे जो है पानी पूरी का, जो पानी होता है ना वो पानी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये पैकेट, और इसमें ये जो है मिंट चटनी है, तो इसे मैं ट्रांसफर करूंगी इस बोल में। ये है पैकेट नंबर 3, इसमें मिंट चटनी जो है, मैं इस बोल में सारे के सारे मिंट चटनी जो है ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारे के सारे चटनी ट्रांसफर कर ली है, और इसमें जो है 250 ml ऑफ वाटर ऐड करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है। और ये सारे के सारे चीजों को एक साथ मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। तो मैंने मिलाकर जो है तैयार कर ली है पानी पूरी का जो पानी है। तो हमारे पास सारे के सारे चीजें ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम लास्ट प्रोसेस जो करेंगे वो है पानी पूरी फ्राई करके हम तैयार करेंगे। तो पानी पूरी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, और इसमें मैंने तेल डाल दी है, ऑयल डाल दी है, ऑयल ऐड की है, और इसे मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर दी। और अब देखिए मैंने एक पानी पूरी इसमें डाल दी है, और आपको मैं दिखाने के लिए मैंने एक ही डाली है इसमें। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये फुल कर जो है तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया से जो है फुल कर तैयार हुई है ये पानी पूरी। ये आप देख रहे हैं, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ इसे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पानी पूरी बनकर तैयार हुई है, एकदम फुला फुला वाला। तो ये है सेकंड नंबर, आपको मैं दो तीन ही दिखाऊंगी, बाकी सब मैं आपको एक साथ फ्राई करने के बाद जो है मैं रेडी करने के बाद आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए ये सेकंड नंबर भी अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो गई है। तो हम अब क्या करेंगे, सारे के सारे पानी पूरी को जो है इस तरफ अच्छी तरीके से जो है फ्राई करके तैयार कर लेंगे, और फिर जो है हम चलेंगे खाने के प्रोसेस में। तो ये देखिए इसे भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, कितनी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हुई है ये पानी पूरी हमारी। तो ये थर्ड नंबर पानी पूरी है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ऑयल गर्म हुआ है। ये जो ऑयल है एकदम से मतलब अच्छी तरीके से आपको फुल्ली हॉट होना बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से इसको गर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए इसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छी तरीके से फ्राई करके, पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए तो ऐसे करके मैंने सारे के सारे पानी पूरी को जो है तैयार कर ली है। ये देखिए ये आपको मैं एक पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फुल कर तैयार हो गई है, फ्राई फ्राई करके फुल कर, बहुत ही अच्छी तरीके से फुल कर तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से फुल कर तैयार हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है आलू, जो मेस्ड पोटैटो है वो भी तैयार है, डेट्स और टैमरिंड एंड डेट्स चटनी भी तैयार है, और ये है पानी पूरी का पानी भी तैयार है, और ये है पानी पूरी ये भी तैयार है। तो सारे के सारे चीजें तैयार होकर रेडी हो गई है, तैयार करके मैंने ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, एक खाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पानी पूरी को तोड़ ली है बीच से, और अब मैं इसमें जो है फिलिंग्स डालूंगी। ये देखिए ये जो आलू का फिलिंग्स है ना, जो पोटैटो मेस्ड करके रखी हुई थी मैंने, ये आलू का फिलिंग्स डालूंगी मैं इसमें फिल करूंगी। और इसके बाद जो है इसमें डेट्स एंड टेमरिंड चटनी जो है उसे डालूंगी, ये जो ब्लैक वाला है, और उसके बाद पानी डालकर मैं खाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये आलू का फिलिंग डाल दी मैंने इसके अंदर। अब चलते हैं चटनी की तरफ, तो मैं अब चटनी ऐड करूंगी इसमें।
ये देखिए थोड़े से मैंने चटनी ले ली है, आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, चटनी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो चटनी आप देख रहे हैं ये कंप्लीटली जो है थोड़े से जो इसका टेस्ट है, ये जो डेट्स एंड टैमरिंड चटनी, जो ब्लैक वाला चटनी है, इसका जो टेस्ट है ये थोड़ा सा जो है स्वीट स्वीट टेस्ट आता है इससे, तो ये मुझे बहुत ही टेस्टफुल लगी है। और ये जो पानी पूरी है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। देखिए इतने सारे पानी पूरीज मिल रहे हैं आपको, 24 पानी पूरीज मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको चटनी मिल रहा है, और ये वाटर पानी पूरी का जो पानी बनाने का जो चटनी है, मिंट चटनी, वो भी आपको इसी से मिल रहा है, इसी पैकेट से। आपको सिर्फ क्या करना है, पोटैटो लेना है और उसके साथ ऑनियन या आप को जो भी अच्छा लगे, जो भी चीजें, जैसे कि कोरिएंडर लीव्स किसी किसी को पसंद है बहुत, या ग्रीन चिली पसंद है, जो भी आपको ऐड करने का दिल हो आप वही चीज ऐड कर सकते हैं, और इसे ऐड करके आप बनाकर खा सकते हैं ये पानी पूरी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लिख कर मुझे बता सकते हैं, और इसके बाद भी मैं क्या क्या वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ये भी आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं जरूर आपका कमेंट पढ़ के वही सब लेकर आऊंगी जो आप लोग बोलोगे। तो ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए था। और ये जो पानी पूरी है ये बहुत ही फेवरेट फूड होता है, और स्पेशली फॉर ऑल इंडियंस, ये स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखकर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।